कि किसी के साथ आप जो मर्जी कर लें, कोई अगर खामोश है, चुप बैठा हुआ है, तो आप उसको जो रगड़ सकते हैं रगड़ दें। कोई आप इस्लाम की बात कर रहे होते हैं, आप इस्लाम में तो सबसे बड़ी सजा ही के झूठ बोलने की है और आप झूठा इल्ज़ाम लगाने की है, और आप झूठा इल्ज़ाम लगाए जाएँ और हम खामोशी से चुप करके, मैं नहीं अभी भी नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अब जब आप मेरे पे आएंगे, मेरे बच्चों पे आएंगे, गाली भी दे लें, आपका आपकी आपका ज़र्फ़ है, सब कुछ है, लेकिन खुदा का वास्ता झूठा इल्ज़ाम तो ना लगा। आप सियासत कर लें, आप सारा दिन कर रहे हैं सियासत, हम तो नहीं सियासत से रोक रहे आपको, लेकिन इस तरह तो ना करें कि आप हर एक को गुमराह कर रहे हैं, आप अपनी सोशल मीडिया कैंपेन अलहदा चला रहे हैं। इन लोगों का क्या कसूर है? ये लोग भी मर रहे हैं, बाकी लोग भी शहीद हो रहे हैं, इन्होंने वो किया जो कानून आप, अच्छा दूसरी बात भी कर लें, 144 क्यों लगाई? आप लोगों में से बहुत सारों के जहन में ये होगा, आपका हाई कोर्ट ने औरत मार्च की परमिशन दी कि उस औरत मार्च कराना है, आपकी टीमें वहाँ ठहरी हुई थी, थ्रेट लेवल ये आपको बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा था। आज के दिन तक अल्लाह का शुक्र है खैरियत से अभी तक हो रहा है, अल्लाह ताला खैरियत से आगे भी गुजारे। उसके बाद आप कहते हैं कि मैं रैली निकालेंगे हम लोग। अरे भाई, एक दिन आगे कर लो, एक दिन पीछे कर लो, दो दिन बाद कर लो, उसी दिन करना है जब सब कुछ हो रहा है। हम तो नहीं कह रहे, आप पहले भी कितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आपकी हुई हैं, हम कह रहे हैं कर लें। जमान पार्क में जो कुछ हो रहा है, जो वहाँ पे ट्रैफिक और जो वो लोगों का रोज़ लोगों के मैसेज और कॉल्स आ रही हैं कि जी हमारा कुछ करें यहाँ पे, हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, बुरी हालत हुई हुई, हम नहीं कर रहे कुछ। पॉलिटिकल जमात है, उनको खुद इस चीज़ का एहसास होगा, सारा कुछ होगा, हम नहीं कर रहे, लेकिन आपको किसी चीज़ की नहीं है। आप पुलिस वालों को थ्रेट कर देते हैं, आप जो आपके हाथ है उसको थ्रेट कर देते हैं, आपको पता है कि ये बात सही नहीं है, आप फिर भी झूठ बोल देते हैं। मतलब कितना झूठ बोलेंगे? मैं अपनी ज़ात से रिलेटेड कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप सियासत में जो मर्ज़ी करें, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस चीज़ में हमारे साथ इस तरह ना करें। हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी फैमिलीज हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, आप उनको जिस जिस तरीके से मैसेज करते हैं और सारा कुछ करते हैं, वो बहुत ज़्यादती है। तो मैं तो इस लिहाज से इतना ज़्यादा, और अगर इस सीट पर ना बैठा होता तो मैं और तरह जवाब देता, बहुत और तरीके से जवाब देता, लेकिन इस मनसब पे जहाँ बैठ गया हूँ, अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो मेरा बहुत सारा फ़र्ज है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को खामोशी से पी जाऊँ। लेकिन इस तरह किसी के ऊपर 302 की FIR और किसी तरीके से आप कहें कि जी, और खुलेआम कह रहे हैं कि जी इसने कत्ल कराया, और एक नहीं आपका पूरी पार्टी कहना शुरू हो गई कि कत्ल कराया, ये ज़्यादती है। और ये मेरा ख्याल है कि मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ कि जिस जिसने ये ज़्यादती की, अल्लाह ताला उसका इंशाल्लाह ताला हिसाब करेंगे। SSP इमरान, इन्होंने और हमारे बाकी लोगों ने मिल के जिस तरीके से इस केस को ट्रेस किया है, ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था। ये एक दफ़ा तो बिल्कुल हम भी इस पे थे कि ये पुलिस तशद्दुद से कहीं फौत नहीं हो गया, लेकिन इस तरह जिस तरह इन्होंने एक एक चीज़ पे पहुँचे हैं जाके और ट्रेस किया है, ये सारे इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके बाद ऑडियो की बात है, वो जिन साहब की वो ऑडियो बता रहे हैं, उनसे कोई बंदा फ़ोन पे बात कर ले, उनकी ऑडियो सुन ले, और जो ऑडियो चल रही है वो सुन ले, वो किसी वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। उनकी आवाज़ एक दफ़ा फ़ोन करके सुन लें, और उसके बाद वो जो ऑडियो उन्होंने बनाई है वो सुन लें, उसके बाद आपको किसी चीज़ की वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं रहती, ना आप कहीं फॉरेंसिक के लिए भेजने की ज़रूरत है ना कुछ है। आखिरी चीज़ ये है, उसके बाद आपके सवालों के जवाब दे देंगे, वज़ीराबाद वाला भी जो हुआ, मैं क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में हुआ था, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, आप लोग खुद गेज कर लें कि वो क्या इंसिडेंट था, क्या हुआ, एनी वे उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। आखिरी बात ये है कि मेरा सिर्फ आप लोगों से एक चीज़ है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी ये है, वरना आपको हम कह देते कि ये खबर है, आप देख लें, आ जाएँ, वेरीफाई कर लें, या IG अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, सारा कुछ हो जाता है। देखें, आगे ऑलरेडी सेंसिटिव टाइम है, 30 अप्रैल को इलेक्शन है, आप इस सारी चीज़ में जिस तरह माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये जब भी उनका डेलीगेशन आता है हम लोग मिलते हैं, जब इंसिडेंट हुआ है डॉक्टर जवेद अकरम साहब वहाँ पे पहुँचे हैं, हॉस्पिटल पहुँचे हैं, हमें नहीं था कि ये किसका कारकुन है किसका नहीं है, ये वहाँ पे रहे, उनके हिसाब से जिस तरह उन्होंने कहा, उनकी फैमिली ने कहा, हमने उनको उसी तरह एंटरटेन किया, उसको ख्याल रखा, एक आधा ज़ख्मी और था, पुलिस वाले ज़ख्मी थे, सबका ख्याल रखा इन्होंने, ये बात नहीं है, लेकिन हमें अपना काम करने दें। आप इस तरह अगर समझें कि मैं प्रेशर में आ जाऊँगा, मैं तो नहीं आना, अगर कोई और होता तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रेशर में इस तरह नहीं आऊँगा।
आप बिल्कुल आएँ, अगर आपको कोई हमारी चीज़ से एतराज़ है आप आएँ बात करें, 100% करेंगे। लेकिन ये धमकी से, गलम गलोच से, ट्वीट करके, इस तरह मैं तो किसी सूरत भी सरेंडर करने वाला नहीं हूँ। बेहतर है घर चला जाऊँगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होऊँगा बिल्कुल भी।